नमस्कार दोस्तों, टेक समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के जरिए हम आई फ्रेम के एक और एट्रीब्यूट्स के बारे में समझने वाले हैं। और हमने जो एंकर टैग के बारे में समझा था उसके अंदर जो टारगेट एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, उस टारगेट एट्रीब्यूट्स में जो तीन वैल्यू समझनी बाकी थी वो आज इस वीडियो के जरिए हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए सीधा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नोटपैड प्लस प्लस में मैंने तीन फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, ठीक है। आई फ्रेम 1, आई फ्रेम 2 और आई फ्रेम 3। आई फ्रेम 1 के अंदर हेडिंग दिया है और उसके अंदर एक आई फ्रेम टैग यूज किया है और उसका सोर्स हमने दिया है आई फ्रेम 2। इस फाइल को लिंक किया है इसके अंदर, ठीक है। अब आई फ्रेम 2 के अंदर हमने हेडिंग दिया है और आई फ्रेम टैग के अंदर हमने आई 3 जो पेज है हमारा ये, इसको लिंक किया है, ठीक है। और आई 3 पेज के अंदर हमने एक हेडिंग दिया है और एक एंकर टैग हमने यूज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी ये जो आई फ्रेम 1 वाली जो फाइल है इसको ओपन करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये हमारा जो आई फ्रेम 1 वाला जो पेज है उसका आउटपुट है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए ये हेडिंग है जो हमने आई फ्रेम 1 के अंदर ये हेडिंग दिया था वो वाला है। और इसके अंदर हमने एक आई फ्रेम यूज किया था जिसका ये वाला बॉर्डर है, ठीक है। और इसके अंदर हमने ये 2 नंबर का पेज को लिंक किया था, ठीक है। 2 नंबर के पेज के अंदर क्या है, आई फ्रेम 2 वाला जो हेडिंग है वो है और ये आई फ्रेम इसके अंदर भी है तो इसका ये बॉर्डर है, ठीक है। और इसके अंदर हमने ये 3 नंबर का पेज को लिंक किया है जो कि ये है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये जो टेक्स्ट समुद्र हमने जो लिंक दिया हुआ है इसको यदि हम क्लिक करते हैं तो ये जो ओपन हो रहा है वो हमारा जो 2 नंबर का जो पेज है, ठीक है, ये 2 नंबर का जो पेज है उसके अंदर ही ओपन हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर ये ओपन हो रहा है। लेकिन यदि यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ टारगेट, तो उसके अंदर हम सबसे पहले लेते हैं पेरेंट। तो यहाँ पे अंडरस्कोर और पेरेंट, ठीक है, ये मैंने वैल्यू दे दिया है टारगेट एट्रीब्यूट्स के। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो इसका आउटपुट ध्यान से देखिएगा। जैसे ही हमने क्लिक किया तो जो सेकंड नंबर का जो आई फ्रेम था वो यहाँ से हट गया है और ये सेकंड नंबर का जो आई फ्रेम था उसका पेरेंट जो आई फ्रेम है, यानी कि जो हमारे पहला वाला जो आई फ्रेम है उसके अंदर ये हमारा लिंक ओपन होके आया है। यानी कि हमने जिस आई फ्रेम के अंदर हमने लिंक दिया है उसका जो पेरेंट आई फ्रेम है उसके अंदर ये लिंक ओपन होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं बैक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो ये हमारा ये आई फ्रेम है सेकंड वाला, ठीक है, और इसके अंदर हमने ये लिंक दिया हुआ है। तो इस पे यदि हम क्लिक करेंगे तो इसका जो पेरेंट आई फ्रेम है ये वाला है, ठीक है, ये फर्स्ट वाली जो बॉर्डर दिख रही है ये वाला आई फ्रेम है। तो इस पे यदि हम क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट वाला जो आई फ्रेम है इसके अंदर हमारा ये लिंक ओपन होके आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वैल्यू की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉप, तो यहाँ पे टॉप लिया और पेज को मैंने रिप्लेस किया। तो जैसे ही इस लिंक पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा जो पेज है वो मेन विंडो के अंदर ओपन होके आ गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं टॉप की जगह पे यहाँ पे मैं सेल्फ लिखता हूँ, ये सेल्फ हमने वैल्यू दे दिया टारगेट एट्रीब्यूट्स के अंदर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा ये जो पेज है वो उसी फ्रेम के अंदर ओपन होके आ गया, यानी कि जिस फ्रेम के अंदर हमने लिंक दिया होगा उसी फ्रेम के अंदर हमारा ये पेज ओपन होके आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स आई फ्रेम का एक और एट्रीब्यूट्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और आई फ्रेम ले लेता हूँ यहाँ पे। चलो यहाँ से मैंने सोर्स को हटा दिया है और ये हमारा सेकंड वाला जो आई फ्रेम है उसके अंदर पूरा ब्लैंक आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मुझे एक हेडिंग आना चाहिए, कोई भी हेडिंग लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो यदि आप हेडिंग के लिए यहाँ पे हेडिंग टैग यूज करके कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एक मैंने एग्जांपल के तौर पे ये लाइन लिखी है। अब इसको सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट नहीं आएगा, इसके अंदर हमारा हेडिंग लिख के नहीं आया है। तो आई फ्रेम के अंदर यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं जा सकता है, ये गलत है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हेडिंग लिखना है या कोई भी एचटीएमएल टैग को यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवाना है, चाहे वो हेडिंग हो या पैराग्राफ हो, ठीक है। यदि यहाँ पे आई फ्रेम के अंदर हमें डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट लिखना होगा जो कि है SRC DOC। अब ये जो SRC DOC जो एट्रीब्यूट है उसके वैल्यू के अंदर हमें हेडिंग टैग यूज करना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे दिस इज माय FIRST फर्स्ट SEADE हेडिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा आई फ्रेम के अंदर जो हेडिंग है वो आ गया है। अब यहाँ पे आप कोई भी टैग यूज कर सकते हैं, दूसरा भी पी कर सकते हैं, यानी कि पैराग्राफ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो एज ए पैराग्राफ के रूप में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, या कोई भी और टैग भी यूज कर सकते हैं। तो जो SRC DOC एट्रीब्यूट्स है वो HTML टैग को आई फ्रेम के अंदर डिस्प्ले करवाने का काम करता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको HTML का जो एंकर टैग है उसके अंदर जो टारगेट एट्रीब्यूट्स के जो तीन वैल्यू जो हमने समझी आज वो समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा जो आई फ्रेम का जो SRC DOC एट्रीब्यूट्स है
वो भी समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके माइंड में कोई भी डाउट, क्वेरी या भी कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, नई वीडियो में मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, जय हिंद जय भारत।